हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है सुबह, सुबह के बज गए हैं 8 और आज मैंने इंटेंशनली डिले किया है मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा डेली मैं सुबह, मेरा यूजुअल टाइम 6 बजे का है, लेकिन मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा लेट करता हूँ और आप लोगों को प्यारी प्यारी सी खूबसूरत गलियों का नज़ारा दिखाता हूँ। अभी सुबह के 8 बज गए हैं, उसके बावजूद भी देखिए आप गलियों में सन्नाटा। ये है लॉकडाउन का असर। वैसे भी लोग यहाँ ज़्यादा घर के बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अभी संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ। बरसात में आप देख पाएंगे इस तरह का पानी आपको जगह जगह बहता हुआ दिखाई देगा, कई सारी लोकेशंस पे आपको इस तरह का पानी बहता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही खूब अच्छी बात है। ये देखिए कितना प्यारा है यार, पूरा ग्रीन, कहीं भी आपको जगह खाली नज़र नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ किया था, म्यूनसिपालिटी ने फिर इसको बंद कर दिया। अभी लोग कचरा इधर उधर रख रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। की खूबसूरती ही कहोगे कि आपको इस तरह के बनाना रोड के बगल में लगे हुए दिख जाएंगे, ये देखिए, लेकिन कोई तोड़ नहीं सकता। मैं सामान्य से रोड पर चल रहा हूँ, जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और मॉर्निंग वॉक पे मैं अक्सर इस साइड के लिए आता हूँ, लेकिन पीछे आपको बनानास दिख रहे होंगे। एक खूबसूरती है यहाँ की कि बनानास रोड के बगल में होंगे, लेकिन फिर भी कोई तोड़ता नहीं है। चोरी वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत ही कम, रेयरली देखने को मिलेंगी। मेरा तो ऐसा मानना है कि शायद होती नहीं है, ये लॉकडाउन का असर है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन है। ब्लू स्काई के नीचे हरे भरे पेड़ पौधे, घर में बैठे हुए लोग अपना मजा ले रहे हैं बस। 20% घर तो आप तो लग जाए। नमस्कारम। हाँ। नमस्कारम। सुगोनो। शारम पिला। हाँ। ये देखिए बहता हुआ पानी, गाय वगैरह और घास खा रही हैं, और ये है बहता हुआ पानी यहाँ। ये देखिए इस तरह का पानी आपको बरसात में बड़ा कॉमन है, ये हर जगह मिल जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत घर बना है, लेकिन घरों के बाहर कोई नहीं निकलता, ये सबसे बड़ी मुझे वो लगता है। 8:30 हो गया है, लॉकडाउन का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने घर के गार्डन में भी नहीं बैठ सकते, बालकनी में भी नहीं बैठ सकते, ऐसा है क्या? आई डोंट थिंक सो। ये देखिए रोड, अब मैं कहीं, मुझे लगता है मुझे बैठना चाहिए। मैं इधर से जाके देखता हूँ कि रोड कहाँ को जाता है। छोटा सा रोड है, करवलूर पंचायत। ये करवलूर पंचायत ने आनो ये एरिया म्यूनसिपैलिटी ने आनो म्यूनसिपैलिटी हिंदुस्तान पूरा घूम के किधर महाराष्ट्र इधर इधर से शुरू है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात सब स्टेट में घूम के आया। काम था तो काम के बारे में ये पुत्रची बनो इप्पो कोविड कोविड आया समय नेट तो एबले उन्नायर ने इप्पो ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയില് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗുജറാത്തില് വാപ്പി ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട്,
കുട്ടനാട് ആലപ്പുഴ ആണോ? പേടി 50 rupees. ലോൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട്? ലോൺ ഉണ്ടോ? ലോൺ ഒന്നുമില്ല. ആ ഈ ടാഗും ഉണ്ട്. അത് കുളമ്പ് രോഗത്തിന്. ഓക്കെ നന്ദി. നാളെ രാവിലെ പോവാം അവിടെ. खूबसूरत लोकेशन है पीछे बैकग्राउंड। नमस्कारम, थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए अगर आप नमस्कारम करते हैं तो ठीक रहता है, वही मैंने किया। ये देखिए कितनी खूबसूरत लोकेशन है, लोग मुझे देख रहे हैं कुछ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। यहाँ से मैं चलता हूँ घर। सॉरी, हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, जल्दी पहुंच जाऊंगा। नमस्कार। अल या तामस कवड़ा पवर हाउस चुम्मा रावले मॉर्निंग कुड़पिल्ला। एक्चुअली लोग देख के थोड़ा सा वो करते हैं कि कैमरा ना हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर साथ में ये गिम्बल पकड़ा होता है तो लोग थोड़ा सा अटेंशन देते हैं, देखने लगते हैं। तो मैं नमस्कारम कर लेता हूँ। ये पुनलूर पूरा ऊंचा नीचा बसा है यार, चढ़ाई बहुत है, कहीं भी जाओगे भाई साहब हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, पसीने भी छूट गए, लेकिन बारिश पक्का आने वाली है, नो डाउट इन दैट। नमस्कार। तो ये इनको मैं जानता था एक्चुअली, उन्होंने शायद नहीं पहचान पाया होगा। आप देख पा रहे होंगे कितना ग्रीनरी है। चलो तो मैं अब आपसे अपनी बात करता हूँ। तो जब पोस्टिंग हुआ तो सच में ये शॉकिंग था। मैंने गुड़गांव में रिपोर्टिंग किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी पोस्टिंग 5 दिन के ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला कि मेरी पोस्टिंग केरला में हुई है। मेरी ही नहीं, हम 5 लोग थे एमपी से, 5 लोगों को एक्चुअली केरला मिला, जो मेरे लिए या सबके लिए बड़ा शॉकिंग था, मेरे घर वालों के लिए उससे भी ज़्यादा। लेकिन मैं अंदर से थोड़ा एक्साइटेड भी था कि कैसा होगा केरला, क्योंकि इससे पहले मैं कभी केरला आया नहीं था, बस थोड़ा एक इमेजिनेशन था, ऐसा होगा, ग्रीन होगा, कोकोनट होंगे, मीन करी खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये तो बहुत ही रफ्तार में जा रही थी। यहाँ एक डॉगी रहा करता था पहले, अब तो पता नहीं है, लेकिन पहले एक डॉगी हुआ करता था। पुनलूर एक्चुअली पूरा हिली है, वेल मेंटेन। घर मिलेंगे आपको। देख लो कितना सुंदर घर बना है, ये तो इतना सुंदर नहीं है, ये वाला घर बहुत ही सुंदर है। नीचे जाना ठीक नहीं है यार। तो मैं चल रहा हूँ अपने घर की तरफ। बाकी अभी देखिए 9 से भी ज़्यादा बज गया है, मुझे घर से निकले हुए 1.5 से 1.5 घंटा हो गया, लेकिन अभी भी सन्नाटा ऐसा फैला हुआ है जैसे कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको बता रहा था कि तो वो शॉकिंग था, उसके बाद मैं कैसे बदलते हुए अपने देश के ही एक दूसरे पार्ट को देख रहा था, पूरा लैंडस्केप चेंज, पूरा सब कुछ चेंज था, मेरे लिए सब कुछ अलग था। तो आज की मॉर्निंग वॉक ये होती है कंप्लीट, और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐड करूँगा। लॉकडाउन का पूरा मजा ले रहे हैं लोग घर में आराम से दबे हुए। होटल ओपन ही लियो, होटल इल्ला हाँ पो रश इल्ला तरक इल्ला उन्नू हार इल्ला नाल उन्नू भी इल्ला तेरे घंटे वर्त पानी जूस है क्लोज है।
മൊത്തം നഷ്ടം. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. क्योंकि 4 सालों से यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे अब ज़्यादा डर नहीं है, और दूसरा ये है कि लोगों से परिचित भी हो गया है काफ़ी सारे. ये घर देखिए कितना खूबसूरत है, अंजलि ने भी दिखाया ही है पहले. तो मुझे 4 साल हो गए हैं, इसलिए मैं एक लोकल की तरह ट्रीट किया जाता हूँ, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक परिचित का. बैंक में होने का ये एडवांटेज है कि आप भले ही किसी को नहीं पहचान पाए, लेकिन चूंकि ज़्यादातर लोगों के अकाउंट्स होते हैं तो वो आपको ज़रूर पहचान जाएंगे. तो ये मैं आ गया हूँ अपने घर. ये जो नज़ारा है ये बहुत ही खूबसूरत है. एक मिनट मैं आगे तक लेके जाता हूँ. बस इतना काफ़ी है. What are you doing?